कैसे हो भाई लोग। इस वीडियो के अंदर मैंने डूम्सडे हाइस्ट का एक्ट वन पूरा का पूरा बताया है। हम शुरू करते हैं एक्ट वन डेड कुरियर से। इसका प्रेप मिशन शुरू होते ही आपको एम्बुलेंस लाने को कहा जाएगा सिटी से। आप वो ना करिएगा, फैसिलिटी से बाहर निकलिए और खड़े खड़े 911 को कॉल करिए और पैरामेडिक सर्विसेज में एम्बुलेंस को अपने पास बुलाइए। यहाँ रोड पर एम्बुलेंस आएगा, यहीं से उठाकर डिलीवर कर दीजिए। हो गया प्रेप कंप्लीट। अब डेड कुरियर का सेटअप करना है। इस मिशन में दो टीम रहेगी, एक पैरामेडिक टीम और दूसरी रिकवरी टीम। मिशन मक्खन की तरह हो जाए इसलिए पैरामेडिक टीम जैसे ही बिल्डिंग में घुसेगी उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप फ्लोर तक पहुंचने तक उन्हें बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना है। एकदम स्टेल्थ में साइलेंस्ड वेपन से नामुराद मारने हैं। फिर एक बार डाटा डाउनलोड हो गया कि वैसे भी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, तो अब पैरामेडिक टीम बड़े बड़े हथियार से कोहराम मचा सकते हैं और सबको मारते हुए बिल्डिंग से एग्जिट करिए और बाहर हेलीकॉप्टर में जाके बैठिए जिसमें कि रिकवरी टीम वाले लोग वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ रिकवरी टीम वाले लोग, आप लोग आर्मर्ड कुरुमा कार का इस्तेमाल करिए। हेलीकॉप्टर को फॉलो करते हुए इस होस्टाइल एरिया में आइए और कार के अंदर ही रहकर यहां के सारे नामुराद मार लीजिए। हो गया, ब्रीफकेस लीजिए, हेलीकॉप्टर लीजिए और यहां बिल्डिंग के पास पहुंचिए। यहां बिल्डिंग के आसपास काफी सारे मामू लोग होंगे, उन्हें टपका कर जहां भी आपको ठीक लगता है वहां अपना हेलीकॉप्टर लैंड करिए। कोशिश करिएगा जितना हो सके बिल्डिंग के पास लैंड करने की। और अब पैरामेडिक टीम जो कि कवर में छुपे हुए हैं, यहां पर सुरक्षित माहौल देखकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और सारे यहां से चलते बनिए। हो गया, अब अगला सेटअप सिग्नल इंटरसेप्ट का है डिलेक्सो का, जिसके प्रेक में ज्यादा कुछ नहीं, बस इस घर में जाइए, इन नामुरादों को मारिए, डिलेक्सो लेकर आइए। इसके बाद सिग्नल इंटरसेप्ट वाले मिशन में आपका माथा खराब हो सकता है, 100 बार मौत हो सकती है आपकी। यहाँ बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना है हमें। देखिए, इस वैन के पास रहकर हमें हैक करना है। अगर पीछे रहोगे तो वैन के अंदर बैठे लोग बहुत जल्द मार देंगे आपको, इसलिए आपको इस वैन के साथ साथ अपना डिलेक्सो इसके बगल बगल से चलाना है या फिर इसके आगे, जिससे आपको गोली नहीं लगेगी और बड़े आसानी से हैक कंप्लीट हो जाएगा। हैक कंप्लीट होते ही इस वैन से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर इस पर होमिंग मिसाइल दागिए और इसे डिस्ट्रॉय करके हो गया। इस तरह 4 वैन्स होंगे, इन सभी को डिस्ट्रॉय करके आगे बोट की ओर बढ़िए। बोट के साथ भी हम सेम टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। एक आसान तरीका है कि आपको गोली नहीं लगे, वो ये कि आप अपना डिलेक्सो इस मूव कर रहे बोट के गोल गोल घुमाते रहिए, बिल्कुल इस तरह। गौर करिएगा मिनी मैप में मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है कि 2-3 गोलियां आपको लग सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैक कंप्लीट हो जाएगा। हैक होते ही इसे भी डिस्ट्रॉय करिए और यहाँ से एयरपोर्ट की ओर बढ़िए। ये वाला मिशन आसान है। टीम का एक प्लेयर अपना डिलेक्सो प्लेन के ऊपर या उसके आसपास रखेगा और प्लेन को हैक करेगा। बचे हुए टीममेट्स पीछे आ रहे अटैक हेलीकॉप्टर्स को फोड़ेंगे। हैक कंप्लीट होते ही इस प्लेन को भी डिस्ट्रॉय करिए और मिशन को खत्म करिए। अब अगला सेटअप है सर्वर फार्म का। इसके प्रेप में आपको अकुला लेकर आना है। अकुला का लोकेशन आप फोर्ट जुंगाड़ो एयरपोर्ट पर पता लगाओगे। आप एक फ्लाइंग व्हीकल लेकर जाइए, इस टावर में घुसिए अकेले। आपके टीममेट्स बाहर ही ठहरेंगे और बाहर फ्लाई करते हुए टावर के आसपास सबको मारकर आपके लिए एस्केप रूट क्लियर रखेंगे। अब अंदर आप टॉप फ्लोर पर पहुंच जाइए, डाटा डाउनलोड करिए और यहां से सीधे अकुला के पास जाकर इन चिंदियों को मार के अकुला ले आइए। अब जो सर्वर फार्म का सेटअप है ये सबको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सारा टीम अच्छे से अपना भार संभाल ले तो ये भी मक्खन की तरह हो जाएगा। यहाँ पहुँचते ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर सप्रेसर लगे हुए गन से स्टेल्थली इस गार्ड को मारिए। इसके बाद राइट साइड का कैमरा डिस्ट्रॉय करिए। इसके बाद फिर एक गार्ड मारिए और आगे जाकर और 2 गार्ड मारिए। अब यहाँ इस जगह पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट साइड इधर इस रास्ते नहीं बल्कि अपने राइट साइड की तरफ से जाना है। जाते हुए रास्ते में 2 गार्ड मिलेंगे, इनको टपकाते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पहुंचकर इन बॉक्सेस के पीछे तुरंत कवर ले लीजिए और 2 गार्ड्स आएंगे, इन दोनों को टपकाइए, इनसे एक्सेस कोड लीजिए और आगे बढ़िए। आगे 2 और गार्ड्स मिलेंगे, उन्हें मारने के पहले कैमरा डिस्ट्रॉय कर लीजिएगा, फिर इन 2 गार्ड्स को मारिएगा। हो गया, अब यहाँ लेफ्ट साइड के गलियारे से आ रहे इस गार्ड को मारिए और यहीं इस वाले डोर के अंदर से घुसिए, बिल्कुल अनडिटेक्टेड। अंदर भी हमें साइलेंस वेपन का ही यूज करना है और हैक करना है। इस हैक में लेफ्ट टू राइट इन स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करना है। रैंडमली कनेक्ट करिए, रन करिए, जो सही रहेगा वो लगा हुआ रहेगा, बाकी 1-2 जो गलत होगा वो फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से इन्हें लगा लीजिए। और इस तरह जैसे ही 3 हैक्स कंप्लीट होंगे अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो 4 प्लेयर में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 हैक एक साथ कंप्लीट
फीट होंगे, लेकिन दो या तीन प्लेयर में एक हैक बचा रहेगा और अलार्म ट्रिगर हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप दो हैक कंप्लीट करिए और थर्ड और फोर्थ नंबर पर प्लेयर अपना पोजीशन लेकर थर्ड और फोर्थ हैक दोनों एक साथ कंप्लीट करिए। हैक कंप्लीट होने के बाद अलार्म ट्रिगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब रास्ते में मिलने वाले नामुरादों को मारते हुए यहां से एग्जिट करना है आपको। यहां कोशिश करिएगा बीच में होकर आगे ना ही बढ़ो, दीवार से लगकर सेंटर की ओर जाइए और रास्ते में एनिमी स्पॉन होंगे उसका भी आपने ख्याल रखना है और जहां से आप आए थे वहीं आपने पहुंचना है। यहां पर ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान से, सीढ़ियों से चढ़ते ही सीधा आपको हेडशॉट लग सकता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। और इस तरह यहां से आप बाहर निकल गए। अब बाहर तो आ गए लेकिन इस जगह से आपको वापस अकुला तक पहुंचना है गोलियां चलाते हुए, दुश्मनों को मार गिराते हुए। यहां बड़ा तगड़ा वाला गन फाइट है, बहुत बार मौत हो सकती है आपकी यहां पर अगर इस मिशन को सही कोऑर्डिनेशन में ना किए तो। इस वाले मिशन को मक्खन की तरह कंप्लीट करने का फॉर्मूला यही है कि शूट एंड मूव। आप सभी एक यूनिट की तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ोगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए। चारों ओर से दुश्मनों का हमला होगा, एक प्लेयर मिनी गन या होमिंग आरपीजी से अटैक हेलीकॉप्टर को निपटाएंगे, बाकी सभी जमीन पर वाले नामुराद मारिए। टाइम टू टाइम आप अपने टीममेट्स को बताकर स्नैक्स आर्मर यूज करिए, कवर लेकर रिलोड करिए। इस तरह हर प्लेयर अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो एक मिनट में आप इन सारे नामुरादों को निपटाकर सीढ़ियों तक पहुंच जाओगे। अब सीढ़ी चढ़कर हेलीकॉप्टर में बैठिए और यहां से एस्केप करिए। एस्केप करते वक्त पायलट ने बस इस चीज का ख्याल रखना है कि इस एरिया से निकल जाने के बाद ही अकुला को ऑफ द रेडार ले जाना है, नहीं तो स्टार ब्लिंक करते रहेगा और जल्दी हटेगा नहीं ये। तो इस तरह सर्वर फार्म वाला भी मिशन हो जाएगा। अब हमें करना है एक्ट वन डाटा ब्रीचेस का फिनाले। इसमें कोई शक नहीं कि यहां आपको भर भर के ढेर सारे नामुराद मारने होंगे, लेकिन जितना हार्ड ये मिशन आपको दिखता है उतना ही यह इजी है। बस हमें इतना ही करना है, सामने जो भी दिख रहे सबको मारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। टाइम टू टाइम कवर लेने का भी जुगाड़ रखना है हमें ताकि हम रिलोड कर सके और स्नैक्स खाने जैसी चीजें कर पाए। यहाँ मेरी वेदर के गुंडे आर्मर वगैरह लगा कर रहेंगे तो जितना हो सके हेडशॉट प्रीफर करिएगा। इस तरह इन सबको मारते हुए आगे बढ़ते हुए नीचे नीचे जाते हुए एक बार इस वार रूम में पहुंच गए आप कि बस यहां तो चीजें और भी आसान है। अंदर बैठकर मिसाइल्स के सहारे बाहर जो भी दिख रहा है उन सबको उड़ा दो और सबका सफाया कर दो। फैसिलिटी के आसपास के सारे नामुराद मार के अब इस फैसिलिटी पर आपका कब्जा हो गया है। 5 से 6 मिनट में एक्ट वन का फिनाले निपटा लोगे आप बहुत ही आसानी से। तो भाई लोग यहाँ पर डूम्सडे का एक्ट वन हमारा खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के कुछ काम आए। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन दबाइए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ खेलने के लिए आपको दोस्त चाहिए तो हमारा पेड वाला डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है। तो ठीक है भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी और वीडियो में।